चलिए बढ़ेंगे खबरों में आगे। शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता और पंजाब विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष चरणजीत सिंह अटवाल ने बीजेपी का दामन थामा है। आपको बता दें कि दिल्ली में चरणजीत सिंह अटवाल ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में चरणजीत सिंह अटवाल ने बीजेपी में शामिल हुए। वहीं अटवाल के बीजेपी में शामिल होने से अकाली दल को बड़ा झटका भी लगा। जालंधर लोकसभा से उपचुनाव से पहले पंजाब की राजनीति में बड़े फेरबदल देखने को मिल रहे हैं। जनता दल यू ने भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगाए गए आरोपों को निराधार बता दिया है। पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस सम्मेलन में जदयू के राष्ट्रीय महासचिव इंजीनियर सुनील कुमार ने कहा कि रामनवमी हिंसा के बाद जिला प्रशासन के द्वारा लगातार कार्रवाई की गई है। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं वह पूरी तरीके से निराधार है। उन्होंने कहा कि घटना के बाद सरकार के द्वारा 30 लाख का मुआवजे के रूप में बांटा गया है। वहीं जिनकी हत्या हुई है उनके परिजनों को भी 5 लाख मुआवजा राशि प्रदान की गई है। ईमानदारी से आप ही बोलिए, मैं कोई गैदरंग दल पक्ष थोड़े बोला, मैं तो बोला हूँ वो ही संगठन बाहर से आके यहाँ जुलूस निकाले या शांति फैलावे वैसे लोगों पर प्रतिबंध होना चाहिए। ये आपने पूछा, मैं ऐसा करके नहीं हमारे एमपी साहब कोई गलत भावना से नहीं बोले हैं। बजरंग बली में इनकी भी पूरी आस्था है, हम लोग की भी पूरी आस्था और बजरंग बली के ही हम लोग भी पुत्र हैं, ऐसा बात नहीं है। बजरंग बली के आस्थे से हम लोग भी चलते हैं और हमारे सारे लोग जो हमारे पार्टी के नेता है वो हर कौम के जो लीडर मतलब धार्मिक लीडर हो या धार्मिक के प्रति जो आस्था रखने वाले जो भी सुफी संत है, जो महान व्यक्तित्व है, महामानव है, सब में सब लोगों की आस्था है। हम लोग किसी को नहीं बांटते हैं, हमारे लिए सब खुदा उतना ही अच्छे है जितना अच्छा भगवान है। यूपी में नगर निकाय चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 7 मई को बदायूं आ सकते हैं। सीएम का कार्यक्रम लगभग निर्धारित हो गया है। वहीं सीएम के संभावित कार्यक्रम को लेकर बीजेपी पदाधिकारियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा को लेकर इस्लामिया इंटर कॉलेज मैदान में बीजेपी ने कार्यकर्ताओं ने भूमि पूजन किया है। वहीं प्रशासन और पुलिस की ओर से सुरक्षा को लेकर रूट डायवर्ट किया गया है, उसका खाका तैयार किया जा रहा है। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर पुलिस परेड ग्राउंड में उतरेगा। हालांकि प्रशासन को अभी उनका मिनट टू मिनट कार्यक्रम नहीं मिला है। यूपी निकाय चुनाव में दूसरे चरण के 38 जिलों में होने वाले मतदान के लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने प्रेक्षकों की तैनाती की है। उन्होंने कहा है कि मतदान क्षेत्र में यदि कोई गंभीर सूचना मिले तो तत्काल आयोग के संज्ञान में लाएं। निर्वाचन आयुक्त ने निर्देश दिए हैं कि सभी प्रेक्षक शाम अपने अपने क्षेत्र में पहुंचकर रिपोर्ट करें। ऐसा न करने पर स्पष्टीकरण देना होगा। वहां जाकर मतदान संबंधी बैठक लें और भ्रमण करें। जिलों में एक एक और नगर निगमों में दो दो प्रेक्षक तैनात किए गए हैं। नोएडा सीईओ एसआईडीए मयूर महेश्वरी प्रेक्षक और गाजियाबाद में प्रमुख सचिव अवस्थापना नरेंद्र भूषक प्रेक्षक बने हैं। पंजाब के नवांशहर में लूट की वारदात सामने आई है। आपको बता दें कि न्यू सिटी में पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में कार्यरत मोनिका ने दोपहर 2 बजे अपने कार्यालय का काम खत्म करा। जब वह लोधीपुर गांव आई तो मोटरसाइकिल सवार ने पर्स और मोबाइल फोन उनका छीन लिया है और फरार हो गए। वहीं मारपीट में घायल महिला को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। देश भर में फिल्म की द केयर स्टोरी रिलीज होने के बाद फिल्म को लेकर सियासत भी गर्मा रही है। इधर सिनेमा घरों में फिल्म के रिलीज के बाद लोगों ने फिल्म की सराहना की। हालांकि विवादों में रहने की वाली फिल्म केयर स्टोरी को मुस्लिम विरोधी फिल्म बताया जा रहा है, तो वहीं फिल्म को देश भर के संतों का भरपूर समर्थन मिल रहा है।
काशी में फिल्म द केरल स्टोरी के समर्थन में संत फिल्म देखने के लिए सिनेमाघर पहुंच गए। वाराणसी के सिंगरा स्थित आईपी मॉल में बड़ी संख्या में पहुंचे धर्मगुरु और संतों ने देशवासियों को फिल्म देखने की अपील की है। फिल्म देखने पहुंचे अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा है, फिल्म देशवासियों के सामने लव जिहाद की सच्चाई को बयां करती है। इस फिल्म को सभी को देखना चाहिए। या चर्च देखिए, बहुत ही समाज को जागरूक करने वाली मूवी है। मेरे हिसाब से सबको देखनी चाहिए। बहुत ध्यान से, बहुत आराम से सिखाया गया है कि कैसे धीरे धीरे लोगों को ब्रेन वॉश किया जाता है और बोला जाता है कि अल्लाह ही सब कुछ है, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि कैसे अपने धर्म को अपनाना है और कैसे ये खेल हो रहा है समाज में। ये मूवी अभी तो बहुत अच्छी है। हमें ये मूवी बेसिकली ये मूवी है कि हम कैसे अपने रिलीजन से दूर चले जा रहे हैं और उसका फ़ायदा दूसरे रिलीजन वाले उठा रहे हैं। सो इसमें यही दिखाया गया है कि लैक ऑफ नॉलेज ऑफ आवर रिलीजन कैसे लोग हमारे ऊपर अपना मतलब इम्प्रेशन जमा रहे हैं और जिसके ऊपर जैसे इंटरवर्ट कर रहे हैं हम लोग को, जिसके जो कि वो बहुत गलत है। इसमें यही बताया गया है कि कैसे माइंड वॉश किया जा रहा है, धर्म के नाम पर कैसे कैसे चीज़ें की जा रही है। और ये बहुत सबको देखनी चाहिए, इससे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस फैल रही है, तो सबको देखनी चाहिए। इधर अम्बाला छावनी में आम आदमी पार्टी की नेता चित्रा सरवार की अगुवाई में एक कैंडल मार्च निकाला गया है। ये कैंडल मार्च दिल्ली में धरने पर बैठे खिलाड़ियों के लिए निकाला गया। इस कैंडल मार्च में आप कार्यकर्ताओं के अलावा आम लोग भी शामिल थे। ये कैंडल मार्च अम्बाला छावनी के सभी मुख्य बाजारों से होता हुआ वार हीरोज मेमोरियल स्टेडियम तक निकला है। वहीं चित्रा सरवारा ने कहा है कि कैंडल मार्च आम आदमी पार्टी का न होकर सभी लोगों का है। और आज यहाँ पर एक तरह से ये एक ओपन कॉल थी टू शो सॉलिडैरिटी विद आवर चैंपियंस। और आज हमने आह्वान ये करा है भी कोई किसी भी पार्टी से हो, किसी वर्ग से हो, महिला पुरुष, अगर हम माँ बाप हैं, अगर हम खेलों से जुड़े हैं, देखते हैं, खिलाड़ी हैं, अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं, तो आज हमारा दायित्व बनता है कि हम अपने देश के खिलाड़ियों के साथ खड़े हों। तो ये एक ओपन कॉल है, एक कैंडल मार्च है, एक सद्भावना मार्च है हमारी, जिसमें हम अपने चैंपियंस के साथ ये बोलना चाहते हैं, वी स्टैंड विद देम। और हम चाहते हैं कि ये मैसेज कि आज देश इन खिलाड़ियों के साथ है, हमारी सरकार तक जाए और वो इनका जो है हक अधिकार, इनका न्याय सुनिश्चित करे। नेता बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष बिहार शरीफ पहुंच चुके हैं। रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान बिहार शरीफ में हुए हिंसक झड़प के बाद प्रदेश अध्यक्ष का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। इसी को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के व्यापक इंतजाम हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के द्वारा बाबा मणिराम अखाड़ा और हिंसक झड़प के दौरान गोली लगने से गुलशन कुमार की मौत के बाद पीड़ित परिजनों से मुलाकात हुई थी। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज में सनातन धर्म पूर्वक पूरा पूजा नहीं कर सकते, तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है। हमारी सरकार, हमारे लोगों की चिंता ये है। नालंदा पुलिस ने मुन्ना जॉन की हत्याकांड का खुलासा किया है और इस मामले में अप्राथमिकता अभियुक्त सहित दो लोगों को गिरफ्तार किया गया। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर डॉक्टर शिवली नुमानी ने बताया है कि 12 अप्रैल को मुन्ना जॉन दीपनगर बाजार जा रहे थे, उसी दौरान शेखोपुर गांव के समीप मुख्य सड़क पर रोककर अभियुक्तों ने गोली मारकर उनको घायल कर दिया, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। वहीं घटना के बाद मृतक के भतीजा शिशुपाल पासवान के द्वारा 5 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। अब तक के जो अनुसंधान में साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं उसके आधार पर जो नामजद अभियुक्तों ने सुपारी देकर कुल 3 लाख रुपए का सुपारी दिया पूर्व की अदालत से, उन्होंने मृतक से उन लोगों का, और अंतर जिला अपराधकर्मी पटना जिला से और कुछ इस जिले के अपराधकर्मियों के सहयोग से उसकी हत्या तारीख करवाई, जिसमें 2 अपराधी का अभियुक्त, एक विकास कुमार उर्फ राजेश कुमार हैं जो जानीपुर पटना जिला के रहने वाले हैं, दूसरे बिट्टू साहब उर्फ शत्रुघ्न साहब जो भागनवी गांव के क्षेत्र के हैं, दोनों अपराधी की
अभियुक्त हैं, दोनों की गिरफ्तारी हुई है। घटना में प्रयुक्त से जो मोटरसाइकिल है उसकी बरामदगी हुई है, अभियुक्तों के पास के हथियार और जिंदा गोली भी बरामद हुआ है। उसी के साथ सुपर प्राइम टाइम में अभी के लिए बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे हम, कहीं मत जाइएगा।